नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस 85 इंडिया। बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी के निर्देश पर कोरोना से बचने के लिए बसपा विधायक, सांसदों और अन्य लोगों द्वारा सहायता की है, जिसमें सबसे पहले जो नाम आया था वह बसपा सांसद अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर अयोध्या, विषय लिखा जिसमें आप पढ़ सकते हैं कोरोना 19 कोरोना वायरस की रोकथाम एवं उपचार हेतु एमपी एलईडी सांसद निधि से योगदान के संबंध में। मैं अपने संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर अयोध्या के अंतर्गत कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम एवं उपचार हेतु 50 लाख रुपए की संसदीय करता हूँ। कृपया जनहित में कोविड-19 कोरोना वायरस के बचाव एवं सुरक्षा हेतु संबंधित उपकरण का आवंटन अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें, जिससे धन निर्गत किया जा सके। सबसे पहले रितेश पांडे ने 50 लाख रुपए का एक लेटर जारी किया, सांसद निधि से वह दे रहे हैं। जिलाधिकारी अयोध्या को उसकी प्रतिलिपि भेजी, आप देख सकते हैं। आजाद अरिमर्दन है, विधायक हैं लालगंज से, उन्होंने भी अपनी जो निधि से 25 लाख रुपये का योगदान कोविड-19 जो महामारी चल रही है इसमें देने का प्रस्ताव किया। उसके बाद में संगीता आजाद जो सांसद हैं, सदस्य हैं लोकसभा से, उन्होंने भी जिलाधिकारी आजमगढ़ को लिखा और 50 लाख रुपए की धनराशि अपनी ओर से सहायता के लिए दी। वंदना सिंह जो विधायक हैं आजमगढ़ से, उन्होंने भी अपनी ओर से 15 लाख रुपए निर्गत करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि और इसकी प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को भेजी गई। ये सभी कल परसों के पत्र हैं। और सबसे पहले रितेश पांडे, आजाद अरिमर्दन, संगीता आजाद, वंदना सिंह और भी कई सारे लोगों ने 1 लाख रुपए के आसपास, 5 लाख रुपए के आसपास जो सहायता की है। और सबसे पहले बसपा के जो सांसद हैं, नेता हैं, वह इसमें आगे आए हैं। देखते रहिए वॉइस 85 इंडिया और बचे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भीम। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की जानकारी आप तक सीधे पहुँचती रहे।